नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं, जहां नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को 543 सीटों में से 292 सीटें हासिल हुई हैं, वहीं इंडिया गठबंधन सरकार को 234 सीटें मिली हैं। वहीं कुछ लोग सामने आए नतीजों से निराश हैं। इस बार के नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी 400 पार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने दो लोगों को लेकर खुशी भी जाहिर की है। दरअसल सुनील लहरी ने चुनाव के नतीजों को लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो चुनाव के नतीजों पर निराशा जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। सुनील लहरी ने कहा कि जय श्री राम, इलेक्शन के रिजल्ट देखकर बहुत निराशा हुई, इसलिए मैं कहता था कि वोट दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या ये गठबंधन की सरकार 5 साल सही से चल पाएगी, सोचिए। तो देखा आपने, सुनील लहरी ने लोगों को ये याद दिलाया कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की थी लोगों से, हालांकि कई लोगों ने वोट नहीं दिया। अब गठबंधन की सरकार बन रही है। चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देने के बाद सुनील लहरी ने अरुण गोविल और कंगना रनौत के जीतने पर भी बधाई दी। सुनील लहरी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दो ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं। दोनों के दोनों इलेक्शन जीते हैं, एक कंगना रनौत जी जो नारी शक्ति का स्वरूप है, मंडी से इलेक्शन जीती है, और दूसरा मेरे बड़े भाई अरुण गोविल जी मेरठ से इलेक्शन जीते हैं। दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जय श्री राम। बता दें कि सुनील लहरी ने इसके अलावा एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, चुनाव के परिणाम देखकर बहुत ज्यादा निराशा हुई, एक तो मतदान कम और ये परिणाम, लेकिन एक बात की खुशी हुई, मेरे दो पसंदीदा लोग चुनाव जीते, दोनों को ढेर सारी बधाई। बात करें कंगना रनौत और अरुण गोविल की, तो दोनों ने ही इसी साल बीजेपी ज्वाइन की है। कंगना रनौत को पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। कंगना के लिए प्रचार करने पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी हिमाचल पहुंचे थे। दोनों ने कंगना की जमकर तारीफ भी की थी। कंगना जब मंडी में रैली कर रही थी, तब कांग्रेस ने एक्ट्रेस पर जमकर विवादित बयान भी दिए थे। कभी कहा गया था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, तो कभी कहा गया कि कंगना जिन मंदिरों में गई उन्हें साफ करना चाहिए। कंगना रनौत को हल्के में लेने की गलती करने वाली कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। कंगना रनौत ने कांग्रेस की विक्रमादित्य को करारी मात दी है। कंगना रनौत ने 5,47,022 वोटों से जीत हासिल की है और 74,755 वोट से कांग्रेस नेता विक्रमादित्य को करारी शिकस्त दी है। वहीं बात करें टीवी पर भगवान राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल की, तो बीजेपी ने उन्हें यूपी की मेरठ सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। अरुण गोविल को 5,46,469 वोटों से जीते थे और सपा नेता सुनीता वर्मा को उन्होंने 10,585 वोटों से हरा दिया था। बताते चले कि कंगना और अरुण गोविल ने चुनाव को लेकर जमकर मेहनत की थी, खूब रैलियां भी की थी, यही वजह है कि दोनों ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। बता दें कि अरुण गोविल की भी लोगों में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, लोगों में उनकी छवि भगवान राम की ही बनी हुई है, यही वजह है कि वो वोटरों को लुभाने में कामयाब हो पाए। वैसे जिस तरह से सुनील लहरी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।